खबर से आपको कराए रूबरू। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव के नेतृत्व में महिलाओं के अधिकारों को लेकर गांव गुजर घटाल में आधी आबादी पूरा हक के नाम से आयोजित महिला सम्मेलन में महिलाओं की जबरदस्त भीड़ दर्ज हुई। वहीं हजारों की संख्या में युवाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीनिवास में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। सम्मेलन से पूर्व दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित कट पर पहुंचे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में आयोजकों की ओर से रोड शो निकाला गया। इस रोड शो में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर जमकर वकालत की और कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर महिला शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से महिलाएं अपनी समस्याओं को राहुल गांधी तक सीधी पहुंचा सकती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के राज में महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। वहीं मोदी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी पूरी तरह असफल साबित हो रहा है। ऐसे में आम जनता में सरकार के प्रति भारी रोष है। उन्होंने भाषण के दौरान कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं से समस्याएं भी जानी और उनकी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचाकर समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। जैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का काफिला रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल तक जाने लगा तो रास्ते में पहले से खड़े कुछ असामाजिक तत्वों ने कार्यक्रम को बिगाड़ने के उद्देश्य से काफिले को काले झंडे दिखाए और काफिले में मौजूद अनेक गाड़ियों के शीशे तक तोड़ डाले। इस दौरान हैरान करने वाली बात यह रही कि करीब 3 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में पुलिस पूरी तरह नदारद दिखाई दी। हालांकि घटना से पूर्व सूचना मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और DSP ने स्थिति का जायजा लिया। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने रोड शो के दौरान तोड़फोड़ के लिए पूरी तरह पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और मौके पर मौजूद DSP पर जमकर भड़ास निकाली। वहीं जब इसे लेकर DSP से बात की गई तो उन्होंने जांच की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए अजय सागरत्री के साथ संजय कौशिक की रिपोर्ट। को आगे लाने की, उनको सम्मान देने की, उसी विचारों के तहत आदरणीय राहुल गांधी जो आदरणीय सोनिया गांधी जी के निर्देश पर भारतीय युवा कांग्रेस पूरे देश के अंदर आधी आबादी पूरा हक नाम से हम एक कार्यक्रम शुरू किए हैं। एक जन अभियान है महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भारतीय राजनीति में भागीदारी देने का। सिर्फ राजनीति ही नहीं, हम चाह रहे हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में वो आगे आए और कदम बढ़ाएं, कार्य करें। उसी के सिलसिले में आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित था। हम और श्रीनिवास जी यहाँ पर उपस्थित थे और भी तमाम साथी हमारे साथ। गैंगरेप की घटनाएं लगातार बढ़ती है। प्रक्रिया बस ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उनकी, उनको जो विचारधारा को लेकर काम करते हैं, वो विचारधारा की देन है कि आज हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े जुल्म बहनों के साथ हो रहे हैं। मध्य प्रदेश जहाँ भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार है, देश में एक नंबर पर है। हरियाणा में जो बुरे हालात हैं आप देख रहे हैं, तो इनसे बचाने के लिए, और ये इसलिए व्यवस्था को टाइट नहीं कर पाते हैं कि मानते ही हैं महिलाओं को दोयम दर्जे की, तो उससे बचाने के लिए लड़ाई है ताकि देश के अंदर देश की सत्ता और राजनीति में बदलाव हो, बहनों की अस्मिता बचे। हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के तहत हो रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, लगातार चलता। सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, सत्ता एक अलग विषय हो सकता है, राजनीति है तो है, लेकिन ये व्यवस्था की लड़ाई है। हम लगातार इस तरह के कार्यक्रम पहले भी करते रहे अलग अलग नामों से। ये जो हमारा कैंपेन है ये अनवरत जारी है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा उन्होंने किया, उनके जितने साथी थे उनको सबको धन्यवाद दूंगा और ऐसे ही वो लड़ते रहे, मेहनत करते रहे, पार्टी भी उनको आगे बढ़ाने का मौका देने का जो राजनीति की एक जो व्यवस्था होती है उसमें सहयोग। बस यही रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से 4 वर्ष पहले 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख के जुमले दिए, उस जुमले में देश के युवाओं को बरगलाने और बहलाने का धोखा देने का काम किया गया था। देश के युवा बदल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ी तेजी से मूव किए हैं। उनको पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया उन नौजवानों के लिए। हम लड़ रहे, अभी आप देख लीजिए रेलवे की भर्ती शुरू है। कल से जो देश के नौजवान निकले 2,000 किलोमीटर दूर, 1,000 किलोमीटर दूर उनके सेंटर बनाए, गरीबी के अभाव में परीक्षा छूट जा रही है। बिहार का एक लड़का ट्रेन से गिर गया है, जो बुरी कंडीशन है, बाथरूम तक में लड़के बैठ के जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का धोखा है नौजवानों के साथ, तो उस धोखे का जवाब नौजवान देंगे युवा कांग्रेस के साथ में। आज एक आधी आबादी पूरा हक नाम से कार्यक्रम किया, महिला अधिकार सम्मेलन, जिसके अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद यादव जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीनिवास जी दोनों इस कार्यक्रम के अंदर आए और हजारों की संख्या के अंदर महिला शक्ति वहां पर मौजूद रही। इतनी बहनें, इतनी हमारी माताएं उस कार्यक्रम के अंदर आई, उसके लिए खास तौर पे मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर
हमारी जो पार्टी है उसको मजबूत करने का काम किया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। क्या कुछ उद्देश्य था इस कार्यक्रम का पूरा? देखिए, मुख्य रूप से हमारा मकसद यही है क्योंकि पूरे देश भर के अंदर हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आदि आबादी पूरा हक। इसके अंदर हमारी सोच ये है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की कि महिलाओं को आगे लाया जा सके, उनको एक मंच दिया जाए, आने वाले समय के अंदर जब हमारे प्रदेश के अंदर चुनाव हो, देश में चुनाव हो, तो महिला शक्ति को आगे लाया जाए, उनको टिकट दी जाए, ताकि जो हमारा आधा समाज है उसको और मजबूती दी जाए, ये हमारी ये सोच है। लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं पर, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, आप सभी जानते हैं कि सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी सरकार के अंदर हमारी बहन बेटियों के ऊपर हुआ है तो मुझे लगता है इसी सरकार के अंदर हुआ है। और इसी सरकार को जगाने का काम हमारे आने वाले समय के अंदर यूथ कांग्रेस के साथ ही करेंगे। हमारी माताएं, हमारी बहनों से हम तो यही आग्रह करेंगे कि वो ये देखें कि किसने उनके लिए हकों की लड़ाई पिछले दिनों में भी लड़ी और आज के समय में भी उनकी बात मजबूती के साथ कौन रख रहा है, ये उनको देखने की जरूरत है। मेरी बेस्ती है सर, मैं जाऊंगा बाहर से। ऑलरेडी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष आ रहा है, क्या सारा पूरा मीडिया में आ गया कि और सर बैठो, आप जाओ सर, आप चले जाएंगे सर, आप बैठो, अब निकल जाएंगे। सर मैं सर अभी जा रहा हूँ। दो भी लोग हैं सर, 5,000 महिला अंदर घुस। सर मैं अभी जाता हूँ सर, क्या होता है महिलाओं का? सर अभी जाता हूँ सर, मैं अभी जाता हूँ सर। मैं तो कभी बोल लूँ जगह। डिप्टी साहब, अभी यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में पुलिस मौजूद नहीं थी, यहाँ काले झंडे दिखाए हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब मैं इसकी जांच करूंगा मैं।